दिल्ली सरकार 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। तेजस्वी यादव के सभा में पीएम मोदी का भाषण, जी हाँ, सुनकर अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सच है। तेजस्वी यादव के चुनावी जनसभा में पीएम मोदी का भाषण सुनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव खुद पीएम मोदी का भाषण सुना रहे हैं, तो क्या तेजस्वी को खुद पर भरोसा नहीं है? क्या पीएम मोदी के भाषण के सहारे ही वो लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं? सवाल बहुत ही अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सच है। तेजस्वी यादव पीएम मोदी के पुराने भाषण का सहारा ले रहे हैं, पीएम मोदी के भाषण को हथियार बना रहे हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन की चुनावी रैली में बीजेपी नेता और पीएम मोदी का भाषण सुनाते नजर आए हैं। मोदी का यह ऑडियो उनके पहले के चुनावी भाषणों का संकलन है, जिसमें वो महंगाई और जनता की दूसरी समस्याओं से लेकर बिहार के विशेष पैकेज पर बात करते सुने जा सकते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की छांव से बाहर निकलकर लोकसभा चुनाव में अकेले पूरे बिहार में घूम घूम कर बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और एनडीए के दूसरे दलों से लोहा लेते दिख रहे तेजस्वी यादव मोदी के ही पुराने भाषणों को हथियार बना रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें तेजस्वी यादव अपने चुनावी जनसभा में पीएम मोदी का भाषण सुना रहे हैं स्पीकर पर, सुनिए। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लगते हैं भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? तो देखा और सुना आपने,
तेजस्वी ने बुधवार को ऐसा ही एक वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करके लिखा, प्रधानमंत्री द्वारा 10 वर्षों में किए गए वादे अब जनता स्पीकर पर सुन और सुना रही है। इतना झूठ बोला गया कि अब समेटे नहीं सिमट पा रहा है। तेजस्वी ने लिखा है कि कल चुनावी सभा में एक साथी ने ब्लूटूथ स्पीकर लाकर दिया। इस स्पीकर में मोदी का पुराना भाषण है जिसे वो मंच पर लगे माइक के जरिए रैली में मौजूद लोगों को सुनाते हैं। मोदी भाषण में कह रहे हैं, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरते हो तो मरो, आपका नसीब। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पीकर सोती है और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। वोट करने जाएं तो घर में जो गैस सिलेंडर है उसको नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिया इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है याद करके जाइए। मोदी आगे कहते हैं, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 25,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार की ये प्राथमिकता होगी। ऑडियो में आगे मोदी के नोटबंदी पर भाषण का अंश है कि मैंने देश से 50 दिन मांगे हैं, अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरी गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर देश जो सजा देगा वो भुगतने को तैयार हूँ। बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार में पीएम मोदी काफी सक्रिय हैं। चुनाव की घोषणा के बाद मोदी का राज्य में 4 बार दौरा हो चुका है। इस दौरान वो जमुई, नवादा, गया, पूर्णिया, अररिया और मुंगेर सीट पर लोजपा, भाजपा, हम और जेडीयू के कैंडिडेट के लिए वोट मांग चुके हैं। प्रधानमंत्री 4 मई को 5वीं बार बिहार आ रहे हैं, जब वो दरभंगा में भाजपा उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में रैली करेंगे। तो पीएम मोदी 4 मई को 5वीं बार बिहार आ रहे हैं, दरभंगा में अपने कैंडिडेट गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में रैली करेंगे, वोट मांगेंगे। और इधर तेजस्वी यादव अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं, लालू यादव की उन्हें ज़रूरत अब नहीं है, सिर्फ मुकेश सहनी को लेते हैं साथ में और निकल पड़ते हैं चुनाव प्रचार करने, रैली को संबोधित करने। अकेले 3, 4, 5, 6 रैलियां तक कर रहे हैं तेजस्वी यादव और इस दौरान पीएम मोदी के भाषणों का अंश वो स्पीकर के जरिए, माइक के जरिए लोगों को सुना रहे हैं और पीएम मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। तो आप देखिए आने वाले समय में इन भाषणों का, पीएम मोदी के पुराने भाषणों का क्या असर होता है, क्या तेजस्वी यादव इन भाषणों के जरिए पीएम मोदी के वोट बैंक को तोड़ देंगे। सवाल कई है, जवाब आपसे जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज़।